ये है मशहूर कराटे चैंपियन सुप्रिया जाटव। मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने देश का नाम रोशन किया है। सुप्रिया जाटव ने अमेरिका के लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए दो दो मेडल जीत लिए हैं। सुप्रिया ने एक गोल्ड मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कराटे डेवलपमेंट सोसाइटी भोपाल की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक सुप्रिया जाटव ने 60 केजी वुमेन एलीट डिवीजन कैटेगरी में जापान को हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, तो वहीं सुप्रिया ने मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। पिछले साल भी सुप्रिया यूएस ओपन में स्वर्णिम सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में 2019 में गोल्ड मेडल भी जीता था। सुप्रिया कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पदक जीत चुकी हैं। सुप्रिया ने कहा कि देश के लिए पदक जीतना हमेशा अच्छा लगता है। बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाली सुप्रिया जाटव ने 2 साल पहले हमसे बातचीत में बताया था कि कैसे उन्हें स्पोर्ट्स में जातिगत समस्याओं से जूझते हुए बेहतर परफॉर्म करना पड़ता है। एक्चुअली इंस्पायर करते हैं, हुआ ये है, देखिए हर जगह पे ये इक्वालिटी सिस्टम है, ये हर जगह डिस्टर्ब करता है। स्पोर्ट्स में क्यों करता है मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज देखिए अगर मैं 5 राउंड 7 राउंड खेल के मेडल ले रही हूँ तो वो जनरल वाला भी 5-7 राउंड खेलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे 2 राउंड खेल के गोल्ड मेडल मिल जाएगा। और मुझे तब भी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है कि आपका क्या है, आपको क्या है, तब मुझे ये बुरा लगता है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं इंडिया के लिए खेल रही हूँ, मैं किसी कास्टिज्म के लिए नहीं खेल रही हूँ। तो आप सपोर्ट कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए। और मैं सबसे कहना चाहूँगी सारे ये इट इज़ नॉट अबाउट के जनरल एसटीएससी एंड आप सब, आप एक महिला को जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, आज मैं यहाँ हूँ तो आप अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, अगर मैं यहाँ हूँ तो आपकी बच्ची क्यों नहीं। हम सुप्रिया जाटव को देश का नाम रोशन करने पर बधाई देते हैं। आप भी कमेंट में बधाई संदेश लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीग।